आदमी गौ के पालन करने वाला इकट्ठा होकर के और गौ की सुरक्षा के लिए एक प्रतिज्ञा करते प्रतिबद्ध होते हैं, हम अपनी तन मन धन के द्वारा गौ की माता की सुरक्षा करेंगे, सेवा करेंगे। ये परंपरा से गौ पाष्टमी उत्सव हिंदुस्तान में नहीं अंतरिक्ष में भी देवलोक में भी मनाया जाता है, क्यों गौ माता केवल हमारी माता नहीं है, विश्व की जननी है। गौ के अंदर में ब्रह्मा का निवास है। आज यहाँ पर नाना राव पार्क कानपुर सिटी के अंदर गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, बेहद खुशी की बात है। मैं इस अवसर पर सभी गोपालकों को, सभी गौ भक्तों को अपनी तरफ से भी शुभकामनाएं देता हूँ। गौ माता हम लोगों की रक्षा करें, लेकिन इसके साथ ही हम लोग भी, हम लोगों का अपना दायित्व होता है कि हाँ हम लोग गौ माता की वास्तविक सेवा करें। ऐसा नहीं हो कि जब दूध देना गाय बंद कर देती है उसको कहीं पर भी छोड़ दिया जाए, ये एहसान फरामोशी की बात है। ये ऐसी हालत में गौ माता को छोड़ना नहीं चाहिए यदि हम सही मायने में सेवक हैं। और यदि कोई नहीं मानेगा तो फिर ऐसा कानून भी बना हुआ है, हम लोग कानून सम्मत कार्रवाई भी करेंगे। व्यवस्थाएं बनाने के लिए हमने नगर निगम के सहयोग से कान्हा आश्रय स्थल स्थापित करने की कोशिश की है, सरकार की योजनाएं हैं उनके तहत हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मैं जन सामान्य से प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा, खासकर जो हमारी गौशाला समितियां हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में गौशालाओं की स्थापना करें और इसका विस्तार करें। जो सरकारी व्यवस्था अपनी तरह से हो सकती है लेकिन जन सहयोग मिलना जरूरी है ताकि ज़्यादा संख्या में हम लोग गौ वंश को वहाँ स्थापित कर सकें।